नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू गार्डन साइंस में। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने 1 मार्च को सीडलिंग की थी। देखिए आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं, 25 दिन में ये लगभग इतने पौधे हो चुके हैं। ये हमारे कसमस के पौधे हैं और आइए दूसरे पौधे से भी आपको मिलवाते हैं। ये लगाने के लिए पूरे तैयार हैं, आप इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, गमलों में या पार्कों में अपने। ये देखिए दोस्तों, ये फोटो इलाइका है और ये अभी काफ़ी छोटा है, इसे कम से कम 10-12 दिन और ठहर कर लगाना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटा है दोस्तों, देखिए सनफ्लावर काफ़ी बढ़ गया है, इससे ज़्यादा हम ज़मीन में नहीं इसे बढ़ा सकते, वरना अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सूखना शुरू हो जाएगा। हम जब शिफ्ट करेंगे इसे दूसरी जगह तो ध्यान रखें इससे ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसे शिफ्ट ज़रूरी है करना। और इससे छोटा रहे तो आप इसे पहले से उसी टाइम भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो पौधे हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये निकालते वक्त सूख सकते हैं, इनकी जड़ें हिल सकती हैं। तो यानी जब आप इसे निकालें तो थोड़ा इसको मिट्टी के साथ में निकालें दोस्तों, तो ये आसानी से लग जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए, ये जीनिया का पौधा है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और ये 25 दिनों में काफ़ी लंबाई ले लिया है इसने, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। देखिए एक इतने से भी ज़्यादा हो गया है ये, और इसे निकालने का क्या तरीका है दोस्तों? जब आप निकालेंगे, क्योंकि ये ज़मीन में हमने काफ़ी इकट्ठे लगाए हुए हैं, तो इसे निकालने के लिए आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से आप निकाल के अलग अलग इन्हें रखें, इनकी मिट्टी के साथ इन्हें निकालें। देख लीजिए इस तरह से ये मिट्टी के साथ निकाला हुआ है हमारे इधर के मालियों ने, काफ़ी अच्छे माली हमारे। देख लीजिए इस तरह से आप मिट्टी के साथ निकालें इसे, और जब लगाएं तो काफ़ी ध्यानपूर्वक लगाएं कि इसकी जो जड़ें हैं वह बाहर ना रह जाएं, अच्छी तरह से इसे लगाएं गहरा गड्ढा करके और इसकी मिट्टी तैयार करके। दोस्तों ये देखिए टेडी बियर सनफ्लावर है, सनकॉर्न भी कहते हैं इसे। देखिए यह भी काफ़ी बढ़ गया है 25 दिन के अंदर, तो काफ़ी बढ़ गया, आपको इसे 20 दिन पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए। 25 दिन पहले हमने जो लगाए थे सीड्स, आज देख लीजिए कितने बड़े हो चुके हैं, ये पौधे बन चुके हैं। तो इसको निकालने का भी वही तरीका है जो अभी मैंने आपको दिखाया। देखिए दोस्तों कोचिया की जो ग्रोथ है काफ़ी धीमी हुई है, देख लीजिए कोचिया के पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, आप इन्हें 10 दिन और रुक सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट करें, या जो बड़े पड़ गए हैं थोड़े ज़्यादा ही, उन्हें आप जल्दी अभी शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए ये भूमिका है जिसे सदाबहार कहा जाता है, इसकी ग्रोथ अभी हुई नहीं है, काफ़ी छोटा है ये पौधा, इसको अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा शिफ्ट करने के लिए। जब आप इन पौधों को लगाएंगे तो उससे पहले आप उस जगह की मिट्टी अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जो पौधों के बगल में ये फालतू के जो घास कुछ निकलने लगते हैं इन्हें निकाल दें, ताकि पौधे जल्दी बढ़ पाएँ। दोस्तों ये क्रोशिया है, ये काफ़ी बढ़ गया है, पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें छोटा था ये काफ़ी। देख लीजिए इसकी लंबाई यहाँ तक खींच गई है, उंगली के दूसरे हिस्से तक, और ये काफ़ी अच्छा पौधा है, काफ़ी सुंदर पौधा है। और दोस्तों इसमें हमने दो तरह की वैरायटी लगाई थी, एक ये वाली है देख लीजिए, और इसके पौधे सेम ही हैं, देख लीजिए ये भी ऐसे है और यह भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम पौधा है, लेकिन इसके फूलों में थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है रंग का, और बहुत ही सुंदर पौधा है, इसको भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़ गया है ये। इसमें से वही पौधे निकालने हैं आप जो बढ़ चुके हैं, और जो छोटे हैं उन्हें अभी छोड़ सकते हैं, कुछ समय के बाद हम बाद में लगा सकते हैं, जैसे कि ये सब पौधे हैं काफ़ी छोटे हैं। दोस्तों इन सभी पौधों के बारे में खास बात बताने वाला हूँ मैं आपको, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जब हम ये पौधों की शेडिंग करते हैं, जब हम इन्हें लगाते हैं बीजों को, तो उस समय एक ऐसी बात है जो आप याद रखने योग्य है आपके लिए, कि आप ज़मीन पे जब ये लगाते हैं तो इसे थोड़ा दूर दूर डालें, क्योंकि ये घने हो जाते हैं तो निकालने में दिक्कत होती है, सूखने का डर रहता है। अगर आपने घने डाल दिए हैं बीज, तो उसके बाद अगर इतने घने आ गए हैं पौधे, तो इनको ज़्यादा लंबा होने से पहले ही निकाल लें, अलग अलग शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट ले लेंगे तो उसके बाद ये निकालेंगे हम इसे तो ये सूख जाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि इसे छोटे में ही निकाल लें, लगभग इतने पौधे निकाल लें, इतने पौधे काफ़ी अच्छे हैं निकालने के लिए,
तो आसानी से निकल जाएंगे और ये सूखने का कम डर रहेगा। और एक ख़ास बात, जब हम पौधों को लगाते हैं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उन्हें छाए में ही रखें, यानी कि अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं पार्कों में धूप वाले एरिया में तो उसे शाम के टाइम पे लगाएं। शाम के टाइम पे लगाने से ये होगा कि वे छाए में रह पाएंगे कम से कम 12-13 घंटे और ये पौधे के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, जब हम पौधे निकालने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें ज़मीन में पानी भर देना चाहिए। जहाँ हमने पौधे लगाए हुए हैं उन पौधों को निकालने से पहले हम अगर ज़मीन में पानी भर देते हैं तो उनकी जड़ें और जो मिट्टी है वो नरम पड़ जाती है और बड़ी आसानी से पौधे निकल जाते हैं बिना जड़ों को नुकसान दिए। तो उसका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि जो पानी डलता है इसमें तो उससे इनकी जो जड़ें हैं वह चिपक जाती है मिट्टी से, और जब हम मिट्टी के साथ इसे निकालते हैं तो बड़ी ही आसानी से ये निकल जाता है। दोस्तों, ये जो पौधे बढ़ जाते हैं इनको बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है, इसके लिए याद रखें इसके साइड की मिट्टी के साथ इसे निकालें। और जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें आप जल्दी लगा दें तो अच्छा है, क्योंकि जब बढ़ जाते हैं पौधे तो उन्हें निकालना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये देखिए, ये जीनिया का पौधा है, इसको भी इसी तरह से बड़े ही प्यार से निकालना है, मिट्टी के साथ निकालना है ताकि ये मिट्टी चिपकी रहे इसमें और इसकी जड़ें बाहर ना निकलें, ये ध्यान रखें। दोस्तों, थोड़ा और अच्छी तरह से निकालें जितना आपसे हो सकता है, देखिए इस तरह से निकालें, अलग से मिट्टी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर जड़ें खुल जाती हैं तो आप अलग से भी मिट्टी लगा सकते हैं तुरंत। दोस्तों, गर्मी वाले पौधे लगाने के लिए आपने जो क्यारी तैयार करी है, इसे पौधे लगाने से पहले आप 2-3 घंटे पहले उसमें पानी डाल दें, पूरी तरह से भर दें उस क्यारी को ताकि मिट्टी के अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाए, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब पानी पूरी तरह से सूखना शुरू हो जाए, थोड़ी पानी की जो सतह तक सूख जाए, पानी मिट्टी की सतह तक जो पूरा पानी सूख जाए, उसके बाद आप पौधे लगाना इसमें शुरू करें। लगाते हैं तो थोड़ा गहरा करके लगाएं ज़मीन में, देख लीजिए। और आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों, जब आप पौधा लगाने जा रहे हैं तो उस ज़मीन को पहले से गीला करके रखें ताकि इसके अंदर की जो गर्मी है वह बाहर हो जाए। ये गर्मी के सीज़न के पौधे हैं, जैसे हमारा जीनिया, सूरजमुखी और कसमस है, तो ये सब पौधे हमारे जो गर्मियों के होते हैं, तो इनको लगाने से पहले हमें ज़मीन को गीला कर लेना चाहिए ताकि हमारे जो ज़मीन की जो गर्मी है वह बाहर हो जाए। और शाम के समय में लगाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, एक ख़ास बात ध्यान रखें दोस्तों, कि जब हम पौधे लगाने जा रहे हैं तो उस समय 2-3 घंटे पहले उस ज़मीन में हम पानी से भर दें, पूरी तरह से पानी से इसे लबालब भर दें ज़मीन को, और पूरी गीली होने के बाद इसमें पौधे आप रोपें ताकि इसमें नमी बनी रहे, और पौधे लगाने के बाद भी इसमें पानी का जो बहाव कर दें, छिड़काव कर दें, पानी डाल दें, ऊपर से ना डालें, बहा करके डालें पानी, जैसे कि नीचे से या फिर कोई मग से डालें आप पानी इसकी जड़ों तक, ऊपर से ना डालें क्योंकि इनके पौधों पे वजन रहेगा तो ये जल्दी से मुड़ जाएंगे। पौधे लगाने के बाद एक बार पानी पूरी तरह से भर दें इसमें ताकि इसके अंदर पूरी तरह से नमी पहुँच जाए और ये नमी 2-3 दिन तक बनी रहे, इससे पौधे को बहुत ही अच्छा सहारा मिलेगा इस गर्मी में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।